जब मैं पहले दिन आई थी 22 घंटे शूट किया था, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी जर्नी होगी। उससे बेटर रुक्मिणी शायद कोई नहीं कर पाता, सो वी आर ग्लैड दैट यू नो वी हैड यू। सबके पास इतना कुछ था हमें सिखाने के लिए और हमारे पास भी इतना स्कोप था सीखने के लिए कि बहुत मज़ा आया। हम इतने इमोशनल हो गए स्क्रीन प्ले भी पढ़ के, सो आई एम श्योर कि हम आपको भी जो है रुला के जाने वाले हैं। कृष्ण और रुक्मिणी की पहली भेंट मुझे मतलब अभी तक आप मानोगे नहीं, बट इतनी वीडियो एडिट्स में वो सीन की क्लिप्स यूज होती हैं। मलिका इन जनरल इज मतलब थोड़ी हमने ज़्यादा टांग खिंचाई कर ली बिकॉज शी इज द यंगेस्ट। झलक कृष्ण राधा मलिका झलक हो क्या है जिनकी एक झलक पाने के लिए आप बेकरार रहते हैं, दिल में अलग जगह दी है जिनको आपने, वो झलक हमारे साथ हैं। रुक्मिणी का किरदार आपने इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी खूबसूरती से किया है कि हर किसी के दिल में आप समा गई हैं। अब जब ये आखिरी दिन है, रैप अप हो रहा है, वो पहला दिन कैसे याद करती हैं आप? पहला दिन आई थिंक उसकी सबसे जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेन मेमोरी ये थी कि इट वॉज़ माई लॉन्गेस्ट डे ऑन राधा कृष्णा इन टर्म्स ऑफ शूट। आई थिंक मैंने एट अ स्ट्रेच कुछ 22 घंटे शूट किया था बिकॉज रुक्मिणी की कास्टिंग बहुत टाइम से मतलब ये लोग कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, बट हो नहीं पा रही थी, तो बहुत काम पेंडिंग हो गया था बाय द टाइम मैं लॉक हुई फॉर द कैरेक्टर। सो आई रिमेम्बर जब मैं पहले दिन आई थी 22 घंटे शूट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि रुक्मिणी को जो इतना प्यार आप लोग देते हैं वो डिजर्व करती हैं। इतनी मेहनत है, टैलेंट है, खूबसूरती तो है ही। अब जब आप ये आखिरी दिन का माहौल देख रहे हो जहां हर कोई थोड़ा इमोशनल दिखाई दे रहा है, आप अपने शब्दों में कैसे बयां करोगे? अब मैं खुद को होल्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं आई थिंक जो मेरा सेकेंड लास्ट डे था, पहले लग रहा था कि वही शायद मेरा लास्ट डे होगा, तो उस दिन ऑलरेडी मैं ये इमोशंस गो थ्रू कर चुकी थी कि आज मेरा लास्ट डे है। I think I even shared with you all on Instagram. It was बहुत भारी, मतलब I really had a very heavy heart. पर उस दिन मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ, तो yesterday actually was my last day. And yesterday फिर से मैंने जो है वो emotions go through किए कि नहीं आज तो सचमुच मेरा last day है, मतलब This is going to be it. आज नहीं होने वाला कि काम ख़त्म नहीं हुआ, कल फिर आने का मौका मिलेगा, अरे एक और सीन आ रहा है, एक और एपिसोड आ रहा है, ये सब नहीं होगा, लाइक दिस इज इट। सो या आप जब पहले दिन आई थी या आपने जब इस अवतार को 22 घंटे जब आपने पहले दिन इस अवतार को लिया था, क्या अंदाज़ा था कि इतना ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा, आप घर घर का हिस्सा बन जाएंगी और इतना लोग चाहने लगेंगे आपको? ऑनेस्टली नहीं था। राधा कृष्ण ऑफ कोर्स मैं जानती थी बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री की बहुत बड़ा शो है, बहुत सक्सेसफुल शो है, एंड इसीलिए जब ये कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ आई कुड नॉट रेजिस्ट। बट डेफिनेटली तब आई थिंक एवरीबडी ऑन आर्क, किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी लंबी जर्नी होगी, तो डेफिनेटली ये तो नहीं सोचा था कि मैं 3 साल इस शो का हिस्सा रहूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसा आपने कहा कि इतना प्यार मिला है सबसे, लोगों से, इवन फ्रॉम द मेकर्स, मतलब वो लोग उनके मुंह से ये कॉम्प्लीमेंट मिलना उनकी तरफ से कि सबसे बेटर रुक्मिणी शायद कोई नहीं कर पाता, सो वी आर ग्लैड दैट यू नो वी हैड यू। आई थिंक इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एक आर्टिस्ट के लिए, कहते हैं ना अप्रिसिएशन, अप्लॉज, ये सबसे ज़्यादा बड़ी कमाई होती है। सो आई अर्नड दैट ऑन राधा कृष्णा, सो थैंक यू। और वो एकदम सच थे कि वाकई आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाता। और जब मतलब लोग बोलते हैं कि ग्लैमर की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में इंसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इस सेट पर आपकी कैमराडरी चाहे मल्लिका के साथ, सुमित के साथ, हर किसी के साथ इतनी कमाल की थी, ये जो है चीज़ें कि कहीं से भी कोई डर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं, ये कैसे आप लोग ने किया? आई रियली डोंट नो एक्चुअली, ये शो को ऑलरेडी 1.5 साल हो गया था जब मैंने ज्वाइन किया, तो आई थिंक आई वुड गिव इट टू दीज पीपल क्योंकि ये लोग जो 1 से यहाँ पे थे, इन लोगों ने यहाँ का माहौल जो इतना अच्छा बनाया था, Everybody is great friends, मतलब हमारे directors भी इतने supportive, encouraging,
ज़्यादा करके ना यहाँ पे जो टीचिंग वाला माहौल था, बिकॉज द होल सेट, द होल लॉट ऑफ एक्टर्स वर यंग, तो एंड द क्रू ऑफ कोर्स. स्वास्तिक हैज बीन डूइंग सो मेनी शोज, हमारे डायरेक्टर्स भी सब हैव बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी फॉर सो लॉन्ग, वर्किंग इन द इंडस्ट्री, इतने शोज किए हैं, तो सबके पास इतना कुछ था हमें सिखाने के लिए, और हमारे पास भी इतना स्कोप था सीखने के लिए कि बहुत मज़ा आया. और इसीलिए जो माहौल बहुत अच्छा था सेट का, जब से मैंने ज्वाइन किया उससे भी पहले से. सो आई थिंक मोर देन माई सेल्फ आई विल गिव क्रेडिट टू देम कि जब भी मैंने भी ज्वाइन किया, आई डेंट फील आउट ऑफ प्लेस. आई वॉज यू नो वेरी वार्मली वेलकम्ड और बहुत अच्छे से दोस्ती हो गई. आई थिंक द की फैक्टर बीइंग वी आर ऑल यंग, काइंड ऑफ द सेम एज, तो एक अच्छी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई हमारी. सबसे ज्यादा क्या चीज मिस करेंगी, क्या चीज याद आएगी? सबसे ज्यादा I don't know. अभी के लिए तो it's the basic shooting ही miss करूँगी मैं. But of course, the team, the writing, मतलब आप believe नहीं करोगे, जब हमने last जो हम episode भी shoot कर रहे हैं, हम इतने emotional हो गए screen play भी पढ़ के. So I'm sure कि हम आपको भी जो है रुला के जाने वाले हैं. You all are going to love the final episode भी. I think that is something that I really appreciate. कि ऐसा नहीं था कि चलो ख़त्म हो रहा है, यूँ ही ख़त्म कर दिया, या यू नो आप इतना इतना thoughtful है ending भी. So I'm going to miss that, the whole making of this show and the show in general, and of course my character, मतलब वो रुक्मिणी के वेश में तैयार होना. कल ही जब मैंने पैकअप के बाद चेंज किया, आई नो वॉट आई वेंट थ्रू की अब मैं दोबारा रुक्मिणी हाँ नहीं बनूंगी मतलब. अच्छा, आपने पहला दिन तो बताया वो 22 घंटे की मेहनत, कोई ऐसा यादगार सीन या पल याद हो जो हमेशा जहन में रहेगा? आई थिंक वो एक सीन था जो थी मेरी एज इन कृष्ण और रुक्मिणी की पहली भेंट. मुझे मतलब अभी तक आप मानोगे नहीं, बट इतनी वीडियो एडिट्स में वो सीन की क्लिप्स यूज होती हैं जो भी हमारे फैंस बनाते हैं. I think that probably is one of the best scenes. उसके बाद ये जो लास्ट सीन हमने किया जो आप अब देखेंगे, आई एम श्योर यू ऑल विल लव दैट. एंड एक सीन था जहाँ हम हमारे बेटे को खो देते हैं और मैं कृष्ण से रूठी हुई हूँ, मतलब मैं लिटरली चिल्ला रही हूँ, रो रही हूँ, उनसे भीख भी मांग रही हूँ कि प्लीज़ वापस ले आओ. I think these three scenes probably, I can't choose one, but I think ये तीन मेरे personal best. अच्छा, शो में आपने रूठने मनाने की बात की, आपके दोस्त हैं यहाँ पर सुमेध मलिका, ये सब कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि यंग हैं आप लोग, दोस्ती में कुछ रूठना मनाना हुआ, या हमेशा एकदम बहुत मजबूत दोस्ती रही? नहीं, आई थिंक दोस्ती मजबूत रही है, बट मलिका इन जनरल इज मतलब थोड़ी हमने ज़्यादा टांग खिंचाई कर ली, बिकॉज शी इज़ द यंगेस्ट, तो वो थोड़ी ऐसे हो जाती थी और ऐसे मत करो, बट आई थिंक दैट्स इट. और फिर हमें मनाती भी हैं उसे ऑफकोर्स, बट यार आई थिंक दैट्स इट. बाकी ऐसे कभी इतना रूठना मनाने वाला नहीं है. हम इनफ ड्रामा कर लेते सीन्स में, ऑफ स्क्रीन नहीं हो पाता. अच्छा, मैं एक वर्ड दूंगा आपके जहन में, पहला जो वर्ड आए वो बोलिएगा. रुक्मिणी, झलक, कृष्ण, राधा, मलिका. आई कांट रियली, सॉरी, आई कांट बी वेरी क्रिएटिव विद, मैं इसको उल्टा करता हूं. सुमेध, वर्सेटाइल, मलिका, रॉ, सो शी इज वेरी प्योर व्हेन शी इज परफॉर्मिंग. झलक, आई डोंट नो, वो तो आपको पता होगा, आई कांट जज माय. झलक की एक झलक पाने के लिए सब बेकार आ रहे हैं. एट लास्ट आपके जो फैंस हैं, इतने सारे फैंस हैं जो इतना आपको प्यार देते हैं, उनको आशीष के जरिए आप क्या बोलना चाहोगे? मैं आशीष के जरिए उनसे थैंक यू कहना चाहूँगी, उनके आशीष के लिए. थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सच में इतना प्यार दिया शो को ही नहीं, इनफैक्ट बहुत सब बहुत स्केप्टिकल थे वाइल्ड इंट्रोड्यूस रुक्मिणी कैरेक्टर, क्योंकि राधा कृष्ण की जोड़ी इतनी पसंद थी, बट आप लोगों ने मुझे भी उतनी ही प्यार से वेलकम किया. सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव. और आपका लव जो है सिर्फ रुक्मिणी तक सीमित मत रखिएगा, झलक को आपका प्यार देते रहिएगा. एंड याद रखिए, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, रियली ग्रेटफुल. थैंक यू सो मच झलक हमसे बात करने के लिए. कमाल की बात यह है कि जैसा कि आपने बोला कि जब शो में दो कैरेक्टर्स को इतना प्यार मिलता हो, लेकिन उसमें भी आपने अपनी एक जगह बनाई लोगों के दिल में, वो बड़ी बात थी.
और उम्मीद करते हैं हम आपके अगले प्रोजेक्ट्स में भी आपसे इस तरह मिलते रहेंगे और बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।